लॉकडाउन में काम वाम तो चल नहीं रहा है तो यहाँ दाल चावल सब्जी मिलता है रोज सुबह शाम खाना ले जा रहा है इसलिए। कोरोना के बेहद मुश्किल दौर में खाकी आपको चौक चौराहों पर लोगों को रोकते सुरक्षित करते नजर आती है, रातों को गश्त करती है कि हम चैन से सोएं और कोई भूखा ना सोए इसका भी ख्याल रखती है। राजधानी रायपुर के गोकुल नगर के प्रयास विद्यालय में पुलिस ने खाना चौकी शुरू की है। हमने ड्यूटी के दौरान देखा कि अभी लॉकडाउन की स्थिति में जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारा भी दिल है और मानवता नाम की हमारे अंदर भी है, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ एक खाना चौकी नाम से एक संस्था को चालू किया है। कर्मियों के साथ प्रयास विद्यालय के बच्चे भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस चौकी में जरूरतमंद और भूखे लोगों का भोजन तैयार किया जा रहा है। जो जरूरतमंद लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो फुटपाथ में सोते हैं, जो बिल्डिंगों में काम करते हैं, मजदूर, गरीब वर्ग मजदूर हैं, उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क हम लोग 500 पैकेट खाना डेली बनाते हैं। इस काम में 10 पुलिसकर्मी भोजन बनाने से लेकर उसकी पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं। सुबह शाम 500 पैकेट कट के 1000 पैकेट हम लोग यहाँ बनाते हैं और पुलिस विभाग की सरकारी गाड़ी और निजी वाहनों से हम ये पैकेट वहाँ तक उनके तक पहुँचाते हैं। पुलिस आरक्षक महेश नेताम और कुछ पुलिसकर्मियों ने मिलकर मई के पहले हफ्ते में पहले खाना चौकी शुरू किया था। राशन हमारे उच्च अधिकारी लोग भी सहयोग करते हैं और बाकी हम लोग भी लाते हैं, उनको कच्चा राशन भी देते हैं हम लोग और खाना बना के बांटते भी हैं। शुरुआत के दिनों में इन्होंने खुद अपना और अपने साथियों का पैसा लगाकर इस खाना चौकी की शुरुआत की, लेकिन जब इस बात का पता पुलिस के बड़े अधिकारी और दूसरे लोगों को हुआ तो वे भी इस काम में सहयोग कर रहे हैं। पुलिस का ड्यूटी करते करते परिवार की देखभाल के साथ साथ समाज के जो पिछड़े तबके के लोग हैं ऐसे लोगों की देखभाल करने का जो प्रेरणा आरक्षक नेताम को जो मिली है निश्चित ही उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि से है, साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से इस तरह के कार्य किए जा सकते हैं। खाना चौकी में भोजन बनाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग और भोजन की गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाता है। हाथों में ग्लव्स लगाकर काम किया जाता है। मैं ड्यूटी से छुट्टी के बाद में यहाँ पे 2 से 3 घंटा कम से कम यहाँ बच्चे लोगों के साथ में सहयोग करती हूँ सेवा भाव को लेकर के। मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी इन लोगों के साथ में कम से कम थोड़ा बहुत सहयोग करती हूँ, सेवा दान करूँ। सुबह 8 से 11 बजे तक और शाम को 4 से 7 बजे तक इस खाना चौकी में खाना बनाने के बाद इसे बांटने के लिए शहर में निकलते हैं। लॉकडाउन और कोरोना की इन कठिन परिस्थितियों में सब कुछ भुलाकर भोजन बांटने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।